राशन कार्ड वाले हैं उनकी बहुत शिकायत है कि राशन पत्र मिलता नहीं है। गवर्नमेंट 100 रुपए में 4 चीजें उपलब्ध करती है, क्या क्या करती है? तेल, दाल, दवा, सब्जी। ये राशन दुकान पर राशन लोग वही लोग लेने आते हैं जो लोग प्राइवेट राशन दुकान से ना अफोर्ड नहीं कर पाते, वो लोग यहाँ के गेहूँ चावल लेने। अभी उनका भी अगर हाथ मारा जाएगा तो इनका भी SDPI से पूरा तरीके तैयार है। और यादव जी, जैसा भी आपने अभी ये दुकान खोला राशन की, तो ये जैसे भी महिला लोग आ रहे थे यहाँ पे और भी लोग राशन लेने के लिए, तो कितने लोग बोल रहे थे कि हमारा राशन कार्ड ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो आपने बोले कि आधार कार्ड ला के दो तो उसके बेस पे हम राशन दे देंगे, तो क्या प्रोसीजर, मतलब वो कैसे आप लोग राशन देते? वो गांव का राशन कार्ड है। हाँ, उसको कहीं भी ऑल इंडिया कोई भी किसी भी दुकान में ले सकता है। अच्छा, तो उसके लिए हम लोग आधार कार्ड को देख के और मशीन में अंगूठा लगा के राशन दे देते हैं। अच्छा, तो मशीन में अंगूठा लगा तो ऑथेंटिक, मतलब आधार कार्ड नहीं बोलते कि तुम कार्ड लाओ गांव से, उससे कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। आधार कार्ड से अगर लिंक है और जितने आदमी का लिंक है उतने जन का राशन मिलेगा। ठीक है, जैसे अभी गांव का राशन कार्ड है और गांव का भी आधार कार्ड है तो राशन बॉम्बे से यहाँ से ले सकते हैं। हाँ, कोई भी दुकान में हर कोई दे सकता है। ठीक है, तो जैसे अभी नहीं कर सकता। अभी एक राशन कार्ड में समझो 10 नाम है, तो 10 नाम पे पर पर्सन कितना राशन देते आप? 2 किलो गेहूं है। हाँ, 3 किलो चावल। 2 किलो गेहूं, 3 किलो चावल, और बाकी दाल शक्कर वो कैसा मिलता है? वो त्योहार के हिसाब से आती है, गणपति, दिवाली, होली, ऐसा हर त्योहार में वो किट के हिसाब से किट बोली जाती है उसमें आती है। तो मतलब पर राशन कार्ड वो किट दिया जाता है कि पर पर्सन दिया जाता है? पर राशन कार्ड, पर राशन कार्ड दिया जाता है। तो ये राशन कार्ड में आप स्कीम किसको देते हैं? येलो वाले को देते हैं, ऑरेंज वाले को और व्हाइट वाले को? ये तीनों को मिलता है, किसी भी येलो और तीनों को मिलता है, तो तीनों का प्रोसीजर सेम है? व्हाइट का नहीं है, व्हाइट का नहीं है, और येलो और ऑरेंज में कोई बदलाव नहीं है, कार्ड दोनों एक ही माने जाते हैं PHA। अच्छा, तो व्हाइट में क्या स्कीम मिलती है? व्हाइट में कोई स्कीम नहीं, उसकी 1 लाख रुपए इनकम लिखी होती है तो हाँ, बड़ा आदमी माना जाता है, इसके लिए उसको कोई स्कीम नहीं मिलती। उसको सुने थे कि व्हाइट में कुछ 35 किलो फ्री मिलता है राशन, अंत्योदय कार्ड है। अंत्योदय कार्ड है, वो अंत्योदय कार्ड है, 35 किलो। अच्छा, बाकी लेकिन हमने देखा है काफी जगह सर्वे करते हैं, जैसे अभी समझो 5 लोग का नाम है राशन कार्ड में, लेकिन उसमें आप देखेंगे कि 3 लोग को ही राशन मिल रहा है, 2 लोग को नहीं मिल रहा, तो उसकी वजह क्या है? 2 लोग का नाम आधार से लिंक नहीं होगा, उस मशीन पे नहीं दिख रहा होगा, केवल 3 जन का दिख रहा होगा, तभी 3 जन का राशन दिया जाता है। अच्छा, तो ये आधार, ये न्यू सिस्टम के हिसाब से आधार से लिंक हुआ है तो वो हिसाब से दे रहे हैं। तो आपके पास 100 क्विंटल महीना आया और अगर आपके पास 95 क्विंटल राशन गया महीने का, तो 5 क्विंटल जो आपका बचता है वो क्या होता है? वो अगले महीने गवर्नमेंट का फायदा होता है, गवर्नमेंट उतना काटने को होता है। अच्छा, मतलब वो अगले महीने 95 भेजेगी 100 की जगह, ऐसा है, तो आप हिसाब उनको देते हो बराबर? ठीक है, टोटल 618 राशन कार्ड है ये बताने के मुताबिक, और 618 राशन कार्ड है जिसमें इन्होंने कहा मैक्सिमम लोग आते हैं ना, यदि मैक्सिमम लोग आते हैं और आते हैं 10% लोग का हर महीने का राशन बचता है। चलो अभी जिस तरह से इनसे हम लोगों ने मालूम दी है और जिस तरह से इन्होंने बताया, अभी इंशाल्लाह इसका हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे, इंशाल्लाह अपना प्रोसीजर आगे बढ़ाएंगे और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हम लोग प्रोसीजर बढ़ाएंगे कि यहाँ का अगर राशन परफेक्ट मिला तो इंशाल्लाह हम लोग प्रस्ताव भी करेंगे माता दा, इंशाल्लाह कि इनके लिए हम लोग एक प्रोग्राम भी रखेंगे, ईमानदार लोग भी जो है जो गरीबों का हक नहीं मारेंगे राशन लेके आए। अगर ऐसा कुछ हुआ है कि राशन अगर अखीर में नहीं मिला जो हम लोग का सर्वे है, इंशाल्लाह फिर उसके लिए हम लोग इनके साथ में इनके और भी जो राशन दुकान है जहाँ हम लोग ऑलरेडी हमारे कैडर मेंबर सर्वे कर रहे हैं राशन कार्ड का, इंशाल्लाह उनके भी हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह गरीबों हक नहीं मांगेंगे। हुसैन भाई, आज आप यहाँ जीवन बाग में सब राशन की दुकान का सर्वे करने आए हैं, क्या क्यों सर्वे करने आए हैं और क्या वजह हुई कि आपको सर्वे करना पड़ा? अभी हम लोग अंदर एक राशन दुकान के पास गए थे, मिले सामने बिलिंदा, तो उन्होंने 4:35 दुकान बोली थी। गवर्नमेंट की वेबसाइट में मतलब ये कि 8 बजे से 8 बजे तक का टाइम है, इसमें उन्होंने बताया कि 8 बजे से 8 बजे का जो टाइम है इसमें बंद होने का टाइम 12 से 4 बजे तक है, तो 4:35 दुकान बोली। अभी यहाँ टाइम कितना हो रहा है? 5:10 राशन दुकान अब तक बंद है, पुरानी भी है और ये बोर्ड ले लेता, पुरानी भी है अब तक राशन दुकान बंद है। मैं काफ़ी जो राशन कार्ड वाले हैं उनकी बहुत शिकायत है कि राशन पत्र मिलता नहीं, तो हम लोग की 3 महीने पर स्टडी चल रही है, तो आज हम लोग स्टडी जो राशन कार्ड वाले उनके कम्प्लीट हुई, तो आज हम लोग इन लोगों से बात करें, वहाँ से तो बात की है, अभी यहाँ आए तो अभी राशन दुकान बंद है, तो इंशाल्लाह अभी जब राशन दुकान खुलेगी तो उनसे भी बात करें कितने राशन कार्ड है, पर पर्सन को कितना जा रहा है, कितना कोटा आ रहा है, कितना कोटा बांट रहे, ब्लैक हो रहा है या नहीं हो रहा है, इंशाल्लाह उसके ऊपर हम लोग आगे देखेंगे। क्योंकि राशन दुकान से राशन लोग वही लोग लेने आते हैं जो लोग प्राइवेट राशन दुकान से ना अफोर्ड नहीं कर पाते, उन लोग यहाँ के गेहूँ चावल लेते हैं, अभी उनका भी अगर हाथ मारा जाएगा तो इंशाल्लाह
एसडीपीआई का पूरा तरीके तैयार है और हम लोग ऑलरेडी जो कैडर मेंबर है पूरे मुमरा कलवा के अलहमदिल्ला हर राशन दुकान में जो पहले राशन कार्ड वाले उनका सर्वे कर रहे हैं। अभी इंशाल्लाह अभी दो साल दुकान में जो सर्वे पूरे हुए राशन दुकान वाले से इंशाल्लाह बात करेंगे। अभी ये है नहीं, इंशाल्लाह इनके ऊपर अभी आगे देखते हैं कैसा लीगल कार्रवाई करते हैं। जो राशन दुकान का जो गवर्नमेंट के द्वारा टाइम मिला वो सबसे दुकान बन गया। हुसैन भाई, आज आप जीवन बाग पे आए हैं, आप एसडीपीआई के एक जिम्मेदार भी है और जीवन बाग के भी एक जिम्मेदार है, साथ में आपके जनरल सेक्रेटरी फैसल भाई भी है और साथ में जो राशन वाले भाई यादव साहब, क्या नाम है आपका, यादव साहब भी है। तो आज आप जो राशन के दुकान पे आए सर्वे करने, क्या वजह है आप यहाँ सर्वे करने आए हैं और क्या मतलब क्या इन्फॉर्मेशन लेने आए हैं इनसे? और यहाँ की जो हम लोग दो से तीन महीने स्टडी कर ली हमारी तकरीबन, तो काफ़ी लोगों की शिकायत थी कि हमें राशन मिलता नहीं है, ये एक्सक्यूज दे के भेजा जाता है कि आपका नाम केवाईसी नहीं हुआ है और आपका नाम अभी आधार कार्ड से यहाँ लिंक नहीं हुआ है राशन कार्ड पे, तो इस तरह के एक्सक्यूज दे के भेजा जाता है। कोई बोल रहा है कि हम लोग हमारे पाँच नाम में तो भी हमें राशन कम मिल रहा है, हमारे छः नाम में तो भी राशन कम मिल रहा है। हमारी स्टडी वगैरह काफ़ी हुई और हम लोगों ने 40 से 45 कार्ड जाके जो राशन कार्ड है उनको कांटेक्ट में लेकर रहेगा जिनको राशन कम मिला है। तो आज हम यादव जी से मिलने आए थे कि भाई क्या मामला है, क्या पर पर्सन पे कितना राशन है, क्या है। तो इन्होंने बताया कि कितना किलो चावल है, 2 किलो चावल है, 2 किलो गेहूँ है और 3 किलो चावल है पर पर्सन पे। उसके अलावा कुछ वेकेशन आता है जैसा अभी गणपति है, फिर दिवाली है, ईद है, ऐसे कुछ वेकेशन जो आते ना उसमें गवर्नमेंट 100 रुपये में 4 चीज़ें उपलब्ध करती है। क्या क्या करती है? दाल रवा शक्कर इस तरह ही करती है। तो आज सब भाई क्या नाम है आपका और आज आप यहाँ पे राशन के सर्वे करने आए हैं, क्या वजह थी जो आप यहाँ पे आज सर्वे करने आए? मेरा नाम फैसल है, मैं एसडीपीआई का जनरल सेक्रेटरी हूँ। वही राशन कार्ड के ऊपर जो गेहूँ चावल वगैरह मिलता है उसके लिए हम लोग बातचीत करना है कि किसको कितना क्या मिलता है, तो वही सब लोग डिस्कस करना है। इंशाल्लाह देखते हैं, अभी तो सब बातें हो गई। तो डिस्कस करने से आपको क्या लगा कि राशन बराबर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? और ऐसा कुछ आपको लोगों की कंप्लेंट आई थी कि भाई यहाँ से हमारा 10 नाम है लेकिन हमको 5 लोग का ही राशन मिल रहा है, बाकी लोग का नहीं मिल रहा? बहुत लोगों की कंप्लेंट आई थी कि मतलब 3 जन को मिलता है, 2 जन को नहीं मिलता है। वही सब बातचीत करना है। तो उन्होंने बताया कि 90% मतलब लोग लेके ही जाते हैं और 10% जो जिन लोग नहीं आते हैं बैलेंस रहता है वो गवर्नमेंट को रिटर्न हो जाता है। अभी वही सब हम लोग डिस्कस देखेंगे आगे क्या है। इसलिए भी है हम लोगों ने डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया क्योंकि जब बात होती है तो दोनों तरफा सुनना चाहिए। अभी अगर हम लोग लोगों की सुन के डायरेक्ट एक्शन लेंगे तो गलत है। आज हमने इनसे बात की, इनसे तालुका था हमारे अच्छे, जिनसे पता चले कि भाई आपके अंदर मामला है क्या, जिनसे बात की जिनको नहीं मिला उनके आगे सब मैच करेंगे। हम लोग गवर्नमेंट के डेटा पे साइट पे चेक करेंगे जिनका जो यहाँ राशन कार्ड है उनको उतना राशन गया है, अगर गया है तो ठीक है, अगर मतलब उनकी एंट्री हो गई या नहीं गया तो इस पर भी एक्शन लिया जाएगा। ठीक है।